भालू कुत्ता भों भों। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ। घर? कैसा घर? अरे शहर में रहता हूँ ना, मालिक मुझे रोज शाम को बाहर घूमने के लिए भेजते हैं, वहीं से लौट रहा हूँ। मालिक मेरी राह देख रहे होंगे। मैं तो जंगल की हरी हरी घास खाकर कुलाचे मारता हूँ, पर भेड़ियों, चीतों और तेंदुओं से मुझे बहुत डर लगा रहता है। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? अरे मैं तो वफादार हूँ ही, लोग मुझे वफादार मित्र कहते हैं। तो आज से हो गया मैं तुम्हारा दोस्त। हम दोनों कल से रोज यहाँ मिलेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे। वाह क्या तमाशा दिखाया तुम लोगों ने। अच्छा ये बताओ, ये हिरण कैसे बनाया सौरभ तुमने? ऐसे। और कुत्ता? ऐसे। वाह क्या बात है। लेकिन भैया ये बात समझ में नहीं आई कि छाया बन कैसे गई? बत्ती बुझा दी, रोशनी को दीवार पर फेंका और उस रोशनी के सामने हाथ लाकर देखा तो छाया बन गई। वाह बहुत अच्छा। अब देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये है लकड़ी का गुटका। अब इस लकड़ी के गुटके को प्रकाश स्रोत के सामने लाते हैं। अरे अरे इसकी तो छाया बन गई। अच्छा ये क्या है? ये तो कांच है। अब कांच के टुकड़े को प्रकाश स्रोत के सामने लाते हैं। अरे प्रकाश तो इसके आर पार जा रहा है। अब देखो यह है कागज और इस पर मैं तेल लगाता हूँ। इस कागज पर तेल क्यों लगा रहे हैं? यही तो है खेल। अब इस कागज को, तेल लगे हुए कागज को प्रकाश स्रोत के सामने लाते हैं। देखो ये तेल लगा कागज है, इससे धुंधली छाया बन रही है। प्रकाश इससे हल्का हल्का आर पार जा रहा है। इससे तुम्हें क्या समझ में आया? अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनती है, जैसे लकड़ी का टुकड़ा। अल्पादर्शी वस्तुओं की तो धुंधली छाया बनती है, जैसे ये तेल लगा कागज। पारदर्शी वस्तुओं की छाया नहीं बन, जैसे ये कांच। इसे देखो, अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनती है। अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनती है। और अब इसे देखो, पारदर्शी वस्तुओं की छाया नहीं बनती। पारदर्शी वस्तुओं की छाया नहीं बनती। इसे देखो, अल्प पारदर्शी वस्तुओं की छाया धुंधली बनती है। अल्पारदर्शी वस्तुओं की छाया धुंधली बनती है। सौरभ अब तुम अपना हिरण बनाओ। ये बन गया मेरा हिरण। सौरभ अब तुम अपने हिरण को प्रकाश स्रोत के नजदीक लाओ। अरे अरे इसकी तो छाया बड़ी बन रही है। अच्छा अब तुम अपने हिरण को प्रकाश स्रोत से दूर ले जाओ। अरे अरे इसकी छाया तो छोटी हो गई आ रही है। इसका मतलब किसी वस्तु की छाया उसकी प्रकाश स्रोत से दूरी पर निर्भर करती है। अगर वस्तु प्रकाश स्रोत के नजदीक है तो छाया बड़ी बनेगी। इसका मतलब वस्तु प्रकाश स्रोत से दूर है तो छाया छोटी बनेगी। बिल्कुल सही बताया तुम लोगों ने। इसी छाया की लंबाई और दिशा परिवर्तन के आधार पर बनती हैं धूप घड़ियां। हाँ भैया हमने जयपुर के जंतर मंतर में ऐसी ही धूप घड़ी देखी है। किसी वस्तु की छाया उसकी प्रकाश स्रोत से दूरी पर निर्भर करती है। किसी वस्तु की छाया उससे प्रकाश की नजदीकी या दूरी पर निर्भर करती है। अभी तक तुम लोगों ने छाया का खेल दिखाया, अब हम तुम्हें एक खेल दिखाएं। हाँ हाँ दिखाइए भाई दिखाइए। देखो मेरे पास ये है एक गुड्डा। अरे कितना प्यारा सा गुड्डा है। हाँ अब इसे हमने खड़ा किया। यह है टॉर्च जिसे हमने माना सूर्य, ठीक, और इसकी रोशनी को डालते हैं इस गुड्डे पर। अब इस खेल को हम बत्ती बुझाकर करते हैं। छाया तो बहुत लंबी बन रही है।
अरे इसकी छाया तो छोटी हो गई आ रही है। छाया तो बहुत लंबी बन रही है। प्रातः सूर्य निकलने के बाद और सूर्यास्त के ठीक पहले छाया की लंबाई अधिक होती है और दोपहर के समय छाया की लंबाई सबसे कम होती है। बच्चों, इससे तुम्हें क्या समझ में आया? भैया, अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनती है। हाँ। और अल्पदर्शी वस्तुओं की छाया तो धुंधली बनती है। पारदर्शी वस्तु की छाया नहीं बनती। बिल्कुल ठीक।